छत्तीसगढ़ प्रदेश के कुछ जिलों में छठे चरण का लॉकडाउन घोषित किया गया है ताकि इस कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। लेकिन जहां एक ओर आम जनता इस लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर प्रशासन भी इस लॉकडाउन के आदेश को अनदेखा कर रहे हैं। इसका जीता जागता नमूना पावर हाउस बस स्टैंड में आजीविका मिशन के कार्यालय में देखने को मिला, जहां पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को केंद्र सरकार द्वारा 10,000 रुपए की राशि लोन के तौर पर दी जा रही है, जिसके लिए फार्म भरवाकर जरूरी कागजात जमा करवाए जा रहे हैं। नगर निगम भिलाई द्वारा यह कार्य लॉकडाउन के दौरान ही किया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या नगर निगम भिलाई क्षेत्र में कोविड-19 का खतरा खत्म हो चुका है, या फिर नगर निगम भिलाई इस संक्रमण से बेखौफ होकर आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। राज्य शासन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए यह निगम भिलाई आखिर क्या बताना चाह रहा है, यह समझ से परे है। आलम यह है कि प्रदेश सहित जिले में भी लगातार कोविड-19 संक्रमित लोगों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। जरूरी होगा कि इन आंकड़ों से नगर प्रशासन भी अवगत हो, इसे रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। दुर्ग भिलाई से राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। बोलिए, आपका नाम क्या है? आपका पुष्पा, बी पुष्पा। कहाँ से आए हैं आप? खुर्सीपुर बालाजी नगर वार्ड 30। अच्छा, ये बताइए कि अभी आप इस समय इतने समय में जहाँ लॉकडाउन चल रहा है और जहाँ पर लोग घर में बैठे हुए हैं, और आप अभी आपको देख रहे थे कि आप जल्दी आने का प्रयास कर रहे थे और फॉर्म जमा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो किस कारण से यहाँ फॉर्म जमा हो रहा है और किस लिए आए हैं? सर, एक फॉर्म आया है मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा, और उसमें 10,000 रुपये दिया जा रहा है वो गरीब लोगों के लिए, तो उसको हम लोग जमा करने आए। और आज मतलब आज 5 बजे तक खुला रहेगा निगम ऑफिस, इसलिए हम लोग सोचे फिर एक महीने का फिर 15-20 दिन लॉकडाउन हो जाएगा, इसलिए हम लोग आ गए फॉर्म जमा करने के लिए। वो कभी भी फिर मिले हमको पैसा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आ गए। एक हफ्ते में आ जाएगा बोल के सुने हैं, पर कभी भी आए, लेकिन हमने फॉर्म भर दिया। 100 रुपये डाले मोदी। नाम बताइए अपना। मेरा नाम बी सुंदरम्मा है। कहाँ रहते हैं? कुर्सीपार बालाजी नगर वार्ड 30 में रहती हूँ। तो आज किस लिए मतलब ये लॉकडाउन चल रहा है, इस समय आप लोगों को कौन बोला है कि इस समय फॉर्म जमा हो रहा है और अंतिम दिन है? वो तो ऐसे हल्ला हो रहा था, तो हम लोग आए, फिर वो 10,000 मिल रहा बोल के जमा करवा रहे, तो कम से कम फिर अभी क्या है, भीड़ भी मत करो बोल रहे हैं। और ये 10,000 का पैसा किसकी जरूरत नहीं है, जब खाता खुला है जीरो खाता है उसमें डाल देना चाहिए ना, 10,000 सभी के पूरे दुनिया में जितने का खाता। कौन बताया कि आप लोग को 10,000 मिल रहा है? ये तो नगर निगम से ही हम लोग पता चला। नगर निगम से पता चला? हाँ। आप लोगों को हर एक जगह जगह से लोग आ रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। एक तो भीड़ इकट्ठा मत करो, सब लॉकडाउन है, अपने अपने घर के अंदर बंद रहो भी बोल रहे हैं। भी बोल रहे हैं कोरोना में डाल देना चाहिए ना, डाल देना चाहिए ना, तो हम लोग अपने अपने घर में। नहीं तो नगर निगम से आपको लोग को जो 10,000 रुपये बताया जा रहा है कि वो कैसे मिलेगा, बताया है कुछ? वो आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र, बैंक खाता जमा करना, जमा करना है, दो फोटो जमा करना है, ऑनलाइन भेज रहे, 60 रुपये ले रहे हैं बस। कब से लाइन लगा के खड़े हैं वो भी काम नहीं हो रहा, अभी 5 बजे बाद बंद हो जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर खाते में आ जाएगा। छोटा मोटा बिजनेस जो करते हैं ना उनके लिए, हम लोग तो करते ही कपड़ा कपड़ा बेचते हैं वो सबके लिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.